हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिलन बहल्स टॉक। एंड आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज करना चाहिए उसके बारे में आपके सामने आया हूँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप यूज करते हैं, सुना है उसके बारे में, या कभी उसके बारे में पढ़ा है, या कहीं आपने वीडियो देखा है, तो ये वीडियो जरूर से आप देखिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ABCD आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% यूज करना शुरू करना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ए क्या है फ्रेंड्स? ए फॉर एप्पल तो बहुत बार हमने सुना है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ए क्या होता है? सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ए होता है ए फॉर एक्शन। यस, एक्शन। अगर आपने कोई टारगेट, आपका कोई ड्रीम, आपकी कोई विजुलाइजेशन है, लेकिन अगर उसका कोई एक्शन नहीं है, यानी अगर आप एक्शन लेने का प्लान नहीं कर रहे हो, एक्शन की तरफ नहीं जा रहे हो, एक्शन के लिए आपने ट्राई नहीं किया या आपने एक्शन नहीं लिया, तो आपका जो पर्पज है, आपका जो ड्रीम है, आपकी जो विजुलाइजेशन है, वो काम नहीं करने वाली। सो एक्शन सबसे बड़ा खेल है। जैसे कि कोई मूवी में बताया था ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा खासियत क्या होना चाहिए, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है? जब हम एक्शन एक्शन एंड एक्शन लेते हैं। तो क्या आप एक्शन ले रहे हैं आपके ड्रीम के लिए? लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया है, तो मैं कहूँगा कि आप पहले एक्शन लीजिए। एंड यस, एक्शन लेने से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएगी, आपके जो ड्रीम्स है उसकी तरफ आप आगे जाना शुरू हो जाओगे। चलते हैं बी की तरफ। सो बी क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बी क्या है? बी फॉर बॉल, बी फॉर इट्स नॉट बॉल। इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन बी इज फॉर बिलीफ। बिलीफ यानी कि आपकी सोच, आपकी मान्यता। तो आपकी जो मान्यता है वो क्या है? अगर आपने आपकी बिलीफ से ज्यादा कुछ ड्रीम कर लिया है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा मैं आपको। अगर आपने ऐसा ड्रीम किया कि आपको 50 लाख रुपए कमाने, लेकिन अभी आप साल के 5 लाख कमा रहे हो और आपने ड्रीम किया कि 50 लाख कमाने, शायद आपका दिमाग वो बिलीफ एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप 5 लाख कमा रहे हो और आपने 10 या 12 या 15 लाख कमाने तक का सोचा, तो आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? आपका बिलीफ आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? 100% सपोर्ट करेगा। आपके पास एक भी कार नहीं है और आप सिर्फ सीधी मर्सिडीज BMW की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास आपने एक छोटी कार का ड्रीम किया, तो आपका मन या आपकी जो मान्यता है आपको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी? बिलीफ आपका सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो इन शॉर्ट, बिलीफ को आपको आपकी रेंज से थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम नहीं सेट करना। सो अगर सही बिलीफ होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सी क्या काम करता है? सी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चारों चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब जरूरी है, लेकिन जो सी है, सी स्टैंड्स फॉर क्लैरिटी। अगर क्लैरिटी नहीं हुई फ्रेंड्स कि क्या चाहिए, कब चाहिए, कितनी चीज चाहिए और क्यों चाहिए, तो हमारा हाल एक बेगर की तरह हो जाएगा, भिखारी की तरह। भिखारी को देखा है ना, हम उसको वड़ा पाव दे दे, हम उसको बर्गर दे दे, हम उसको रोटी सब्जी दे दे, हम उसको पिज्जा दे दे, या हम उसको पेस्ट्री दे दे, हम उसको जो भी दे दे, वो खुश हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर हमको कोई पूछे कि हमको इन सारी चीजों में से क्या पसंद है, तो हमारी कोई ऑप्शन तो होगा। शायद हमको पिज्जा ज्यादा अच्छा लगता है, या वड़ा पाव अच्छा लगता है, या बर्गर अच्छा लगता है। तो आप समझ लीजिए आप किसके जैसे, राइट? एंड इसलिए फिर जो भी हमें मिल जाएगा वो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं। सो अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू कर दिया है, अगर आपने आपके ड्रीम्स सेट कर दिए हैं, और अगर क्लियर नहीं है कि कब चाहिए, वो क्यों चाहिए, कितनी चाहिए, तो वो आपको जल्दी से नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सारी चीज़ों के लिए जो सेटिंग कर रहा है ना, वो जल्दी से अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी खुद कंफ्यूज है कितना चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, क्लैरिटी नहीं। तो क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ही आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सही ट्रैक पे काम करेगा। तो सी स्टैंड फॉर क्लैरिटी, एंड क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। डी की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डी क्या काम करता है? डी इज फॉर डेडिकेशन। यस फ्रेंड्स, ये तीन चीजें तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन रास्ते में मुश्किलें तो आती हैं। जितना बड़ा ड्रीम, जितना अच्छा ड्रीम, जितनी बड़ी सोच, तकलीफें आनी है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज करना चालू करोगे तो तकलीफें नहीं आएंगी। आपकी पास्ट की सोच, आपकी प्रेजेंट की कुछ गलतियाँ, या जो कुछ नेगेटिव अप्रोच है चीज़ों को लेके, या जिन लोगों के साथ घूमते बैठते हो उनकी कुछ सोच का असर आपके करंट ड्रीम पे पड़ने तो वाला ही है। आप जो रस्ते पे जा रहे हो, शायद उस पर ट्रैफिक जैम हो सकता है, शायद वहाँ पे डिवाइडर हो सकता है, या डाइवर्जन हो सकता है। डिपेंड करता है आप कितने डेडिकेटेड हो आपकी गोल को लेके, कितने कमिटेड हो आपको गोल को लेके, कितना ज़्यादा आपको वो गोल चाहिए,
कितनी हंगर है अंदर आपको टारगेट एंड गोल को लेके, अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप कमिटेड हो, अगर आप रेगुलरली डेडिकेशन के साथ वो गोल के पीछे पड़ चुके हो, आप रेगुलरली एक्शन लेते हो, आप अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग रखते हो, आप एकदम क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हो और ये चारों चीजें यानी डेडिकेशन के साथ करते हो, तो क्या लगता है आपका आपका ड्रीम पूरा होगा कि नहीं होगा? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा? क्या दुनिया में वो काम जो आपने सोचा है वो सबसे जल्दी या सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से आपके तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? जवाब आपके पास है। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर आप सीरियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए प्लान कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू कर दिया है, तो फ्रेंड्स ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एबीसीडी डेफिनेटली फॉलो करना शुरू कर दीजिए। एंड मैं आपको वापस से बताना चाहूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एबीसीडी का मतलब क्या होता है। मैं समराइज करना चाहूंगा ये वीडियो के एंड करने से पहले। ए स्टैंड फॉर एक्शन, बी स्टैंड फॉर बिलीफ, सी स्टैंड फॉर क्लैरिटी एंड डी स्टैंड फॉर डेडिकेशन। ये बेसिकली जानने के बाद आप अपनी लाइफ में ये सारी चीजें अप्लाई करना चालू कर दीजिए। आई एम श्योर के आपकी लाइफ में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देखने को जरूर से जल्दी से मिल जाएंगे। हे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड शेयर करिएगा। अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं और अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया तो उसको शेयर करना। एंड एट द एंड जहां पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, नोटिफिकेशन या बेल को बजाना मत भूलना। जल्दी से मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय।